तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आईटीबीपी में जितने भाई फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं, सभी का एक ही कमेंट आ रहा है कि रिटर्न एग्जाम कब कराया जाएगा, या वो हेड कॉन्स्टेबल का हो या टेलीकोमिनेशन का हो, एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेडमैन का, सभी भाइयों का एक ही कमेंट आता है कि रिटर्न एग्जाम कब कराया जाएगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका फिजिकल लगभग एक से डेढ़ महीना पहले कंप्लीट हो चुका है। इसका जो अगला प्रोसेस है सभी का, वो रिटर्न एग्जाम का है। इसमें बात किया जाए दोस्तों तो रिजल्ट जो है फिजिकल का जारी कर दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत सारा भाई देख चुके हैं और उनका एक ही कमेंट आ रहा है। जितने भी भाई फिजिकल जो है क्वालिफाई किए हैं, अपना रिजल्ट देखे, उनका एक ही कमेंट आ रहा है कि ओवरवेट दिखा रहा है रिजल्ट में। तो उनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ओवरवेट के लिए। मेरा भी ओवरवेट दिखा रहा है, मैं भी जो है टेलीकोमिनेशन में फिजिकल क्वालिफाई हूँ। तो ओवरवेट जितने भी भाई का दिखा रहा है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग का, 100% जो है रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट का जारी होगा। कि सबसे पहले कौन सा वैकेंसी का जो है रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हेड कॉन्स्टेबल का जो है रिटर्न एग्जाम स्टार्ट कराया जाएगा, जो कि 2.5 से 3 महीने के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अभी तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आप लोग का जो है एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो आप लोगों का जैसे कोई अपडेट आता है चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हेड कॉन्स्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद मैं बताऊँ तो टेलीकोमिनेशन का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, एनिमल ट्रांसपोर्ट हेड कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी होगा, और सबसे लास्ट में जो है ट्रेडमैन का होने वाला है। तो अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। हालांकि मान के चलिए आप लोग को 2.5 से 3 महीने के अंदर धीरे धीरे सारा जो है सारा वैकेंसी का जो है रिटर्न एग्जाम कंप्लीट कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।